देखिए, हमारे शरीर में खून तीन तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला है रेड ब्लड सेल, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। ब्लड ग्रुप कौन सा है ये तय करने के दो आधार होते हैं, पहला है एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। व्हाइट ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन की परत को एंटीजन कहते हैं। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड टाइप बी में सिर्फ बी, ब्लड ए बी में दोनों होते हैं और टाइप ओ में दोनों ही नहीं होते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या निगेटिव भी होता है, तो सवाल उठता है कि अब पॉजिटिव या निगेटिव किस आधार पर तय होता है। दरअसल लाल रक्त कोशिकाओं में यानी रेड ब्लड सेल्स में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं RHD। ये RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जब खून में RHD हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर ना हो तो इसे नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह कुल मिलाकर सामान्यतः ब्लड 8 प्रकार के बताए गए हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब अगर किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो उसे ऐसे ही कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि उसके ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी होता है। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ा दिया जाए तो ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर के एंटीबॉडीज इस खून को स्वीकार नहीं करते हैं। चूँकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों में ना तो एंटीजन ए और बी होते हैं और ना ही RHD, ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। इसीलिए ये ब्लड बाकी सभी ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ाया जा सकता है और इसे ही यूनिवर्सल डोनर ब्लड कहा जाता है।